कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव सहित सतनामी समाज के लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया है। भाजपा शासनकाल की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस ने रविवार को सुपेला घड़ी चौक पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। इनका आरोप है कि राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर भाजपा सरकार रोक लगाने में नाकाम है। वहीं इधर कांग्रेस को निशाना बनाकर लगातार उन मामले दर्ज करवाई जा रही हैं। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को झूठे केस में फंसा कर गिरफ्तार कर रखा है, जिनकी जमानत तक नहीं हो रही। कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह का कहना है कि भाजपा सरकार कांग्रेस को निशाना बनाकर रखी है, इसी के विरोध में आज हड़ताल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से पूरे देश में अराजकता फैली हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, चाकूबाजी, कट्टरबाजी, मारपीट, डकैती, लूट, सारी घटनाओं से जनता बहुत त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को संभाल नहीं पा रही, इस कारण पूरे प्रदेश के अंदर नागरिकों के अंदर बहुत असंतोष व्याप्त है। उसी प्रकार की ये घटना बलौदा बाजार में घटी, जिसमें सतनामी समाज के जैद खाम को तोड़ दिया गया। बदला स्वरूप जब वहाँ पर जनता ने आंदोलन किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लोकप्रिय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया, उन्हें जेल भेज दिया। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।